आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 23 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति है। कई नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश और बाढ़ के चलते कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रायगढ़ में हुए 3 भूस्खलन में अब तक 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रेस्क्यू के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा NDRF और नौसेना के दल भी तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ के चलते कई मार्गों पर रेल सेवा भी निरस्त कर दी गई है। वहीं पुणे स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर के गर्भगृह तक पानी घुस गया है। मुंबई के गोवंडी क्षेत्र में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में प्रशासन की सहायता के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई ने फूड रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। 7 नौसैनिक रेस्क्यू दल सड़क मार्ग से रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में भेजे गए हैं। जापान उगते सूरज के अपने ध्वज को इतिहास का हिस्सा मानता है, लेकिन कोरिया, चीन और अन्य एशियाई देशों में कुछ का कहना है कि यह ध्वज युद्ध के दौरान जापानी अत्याचारों की याद दिलाता है और उन्होंने इसकी तुलना नाजी स्वास्तिक से की। इसी कारण ओलंपिक में जापान के ध्वज को लेकर नाराजगी है और मेजबान देश के कुछ पड़ोसी देशों ने इसे टोक्यो ओलंपिक के दौरान प्रतिबंधित करने की मांग भी की है। वर्ष 2019 में दक्षिण कोरिया ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC से आधिकारिक रूप से अनुरोध किया था कि टोक्यो ओलंपिक में इस ध्वज पर प्रतिबंध लगाया जाए। दक्षिण कोरिया ने कहा था कि यह ध्वज एशियाई लोगों के दर्द की याद दिलाता है, जिन्होंने जापान के युद्धकाल के सैन्य आक्रमण का अनुभव किया था, और यह इसी तरह से है जैसे स्वास्तिक यूरोपीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के दुःस्वप्न की याद दिलाता है। महाराष्ट्र पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा व रयान थोरपे को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया और अश्लील फिल्मों के निर्माण से संबंधित एक मामले में 7 दिन की और पुलिस हिरासत मांगी। पुलिस को शक है कि पोर्नोग्राफी से कमाए गए पैसे का उपयोग ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए किया गया था। मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यही वजह है कि राज कुंद्रा के यस बैंक खाते और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका खाते के बीच लेन देन की जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने बताया कि व्हाट्सएप चैट में उसने पाया है कि राज कुंद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 121 वीडियो को 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचने के सौदे के बारे में बात कर रहे थे। कैंडी और आइसक्रीम में लगे स्टिक सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के कई सामान 1 जनवरी 2022 से बैन कर दिए जाएंगे। सरकार ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी है। इसके अलावा प्लास्टिक के कप, ग्लास और पत्ते सहित कई ऐसे सामान अगले वर्ष जुलाई से प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित किए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस वर्ष जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जनवरी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मृत्यु पर जारी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने यू टर्न लिया है। पहले केंद्र के सुर में सुर मिलाने वाली कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने अब कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमितों की मृत्यु का ऑडिट कराएंगे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने शुक्रवार को दी। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने उनसे इस तरह का कोई डेटा नहीं मांगा है।
छत्तीसगढ़ सरकार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में विपक्षी दलों ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार पर यह कहकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया था कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु की सूचना नहीं दी। सिंहदेव ने कहा कि जब केंद्र कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई तो वह शायद छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जो अतिरिक्त ऑक्सीजन वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हुई और इसे भुलाया नहीं जा सकता। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 388.87 मीट्रिक टन है और 26 अप्रैल को अधिकतम खपत 180 मीट्रिक टन थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। ईरान में 22 जुलाई की देर रात सुखाड़ झेल रहे प्रदेश खुजेस्तान में पानी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में दंगा भड़कने पर एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। इसके साथ ही लोरिस्तान प्रदेश के अली गुदर्ज में गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं। खुजेस्तान क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन हो रहे हैं। पानी की कमी के कारण हो रहे प्रदर्शन में अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 22 जुलाई की शाम खुजेस्तान में पानी की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात आदमी के गोली चलाए जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई है। दंगाइयों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एक महिला को पूरी तरह बेहोश किए बिना ही ब्रेन ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान महिला हनुमान चालीसा का पाठ भी करती रही। ब्रेन की सर्जरी मरीज और चिकित्सक दोनों के लिए सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। ऐसी किसी सर्जरी के दौरान मरीज को कोई परेशानी ना हो और उसे सर्जरी का पता भी ना चले, इसके लिए चिकित्सकों के द्वारा काफी सतर्कता भी बरती जाती है। लेकिन अब दिल्ली एम्स की न्यूरो एनेस्थेटिक टीम द्वारा मरीज को बेहोश किए बिना ही ब्रेन सर्जरी किए जाने का कमाल किया गया है। सर्जरी के दौरान महिला मरीज न सिर्फ पूरी तरह होश में रही बल्कि ऑपरेशन टेबल पर ही वह हनुमान चालीसा का पाठ भी करती रही। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, मैं जनता की आवाज उठाता हूँ। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के विरुद्ध उपयोग किया है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई कर नहीं सकता है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेगासस को इजरायली सरकार ने हथियार के तौर पर क्लासिफाई किया है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकतंत्र के विरुद्ध इसका उपयोग किया, यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि अनिल अंबानी का फोन टेप हुआ, सवाल यह है कि जब सीबीआई एफआईआर दर्ज करने वाली थी उसके ठीक पहले सीबीआई निदेशक का फोन टेप करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर के जरिए भारतीय नागरिकों की निगरानी की जा रही थी, ये अपराध है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में एक समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाए। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीबीआई को पक्षकार बनाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में कहा है कि इस तरह किसी नागरिक की जासूसी करना मौलिक अधिकारों का हनन है। जासूसी के लिए विदेशी स्पाईवेयर का उपयोग करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शुक्रवार 23 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 25 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका YouTube का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।